फ्रेंड्स, माय नाम इज अश्विनी कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत है मैथ्स वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों के लिए आज का वीडियो है हमारा। तो बेसिकली आज के वीडियो में क्या बताऊंगा आपको कि कैसे जो हमारा टायर थ्री है, ठीक है, जो कि 22 नवंबर को होने वाला है और काफी कम दिन बचे हैं, 15 के करीब दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन SSC डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी जो टायर थ्री है और वो सेम होता है जो CHSL के जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सेम रहता है। SSC का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो टायर टू SSC CHSL में होता है और टायर थ्री होता है SSC CGL में, तो दोनों में सेम होता है। उसमें भी एक ऐसे आएगा आपका, एक आएगा लेटर 50-50 नंबर का, टोटल हमारा 100 नंबर का होता है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है पेन एंड पेपर मोड पर। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, अपना भी एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है जो टायर थ्री है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और आई होप आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जिनका पेपर है 22 नवंबर को, तो वो लोग काफी सीरियस होंगे और उसको साथ ही प्रिपेयर कर रहे होंगे, ना कि इसको पोस्टपोन कर रहे हों, क्योंकि आप लोग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, जो कि 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, टायर थ्री का। ये आपकी रैंक भी डिसाइड करता है और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, जो आपकी पोस्ट है, डिजायर्ड पोस्ट है आपकी, जो पोस्ट आप चाहते हैं, ठीक है, वो पोस्ट आपको मिलेगी कि नहीं, काफी बड़ा रोल उसमें प्ले कर सकता है, ठीक है। आपकी डिजायर्ड पोस्ट हो, आपकी जो रैंक कितनी अच्छी हो, ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आप लोग इग्नोर ना करें, ठीक है। तो टायर टू हमारा है 15-18 नवंबर के बीच में है और टायर थ्री की डेट जो आई है SSC की तरफ से वो 22 नवंबर की आई है, तो लगभग एक हफ्ते का गैप है। तो आप जो बीच में टाइम है ना टायर टू के बाद, केवल रिवीजन ही कर सकते हैं। अगर पहले से तैयारी नहीं है आपकी तो आप उतना अच्छा हो सकता है, इफेक्टिव जो ऐसे लेटर है वो आप नहीं लिख पाए और इससे आपके स्कोर कम आएंगे और आपके स्कोर जो कम आएंगे, एक एक नंबर का कितना अहम रोल होता है सिलेक्शन में, वो आप हो सकता है अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो कोई बात नहीं, और जरा सा भी एक नंबर से भी आप कोई अपनी डिजायर्ड पोस्ट से, या फिर हो सकता है आपका जो पोस्टिंग की जो जगह है, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और वहां से आप चूक जाते हैं तो आपको काफी रिग्रेट होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, आप मेंस की तैयारी तो करें ही करें, साथ में टायर थ्री की तैयारी भी अवश्य करें, ठीक है। अभी से जो जैसे कि टायर थ्री का आप लोगों ने इतना पता ही कर लिया हो नेट पे कि टायर थ्री का पेपर रहता है, उसमें ऐसे आता है 50 नंबर का, 250 वर्ड्स में लिखना रहता है और उसमें खाने रहते हैं, ठीक है, ऐसे करके कॉपी रहती है हमारी, ठीक है, उसमें 5 खाने रहते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो एक खाने में एक वर्ड लिखना रहता है, ठीक है, एक लाइन में 5 वर्ड रहते हैं, 4 या 5, ठीक है, और एक लाइन में ऐसे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो राम हो गया, इस तरीके से लिखना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉपी होती है, तो आपको कॉपी वो एक ले लेनी चाहिए, ठीक है, आपको नेट पर कहीं से भी इजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं उस कॉपी को, ठीक है, और उसमें लिखने की प्रैक्टिस अभी से कीजिए। पहले तो आप एक प्रैक्टिस कीजिए कि 250 वर्ड्स में, मतलब ऐसे को लिखना है, कोई भी टॉपिक लीजिए, और टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, आप 2016, 2017, 2018 जो भी 3 साल के पेपर हो चुके हैं, 2016, 2017, 2018 इनके डिस्क्रिप्टिव पेपर CGL के हो गए जैसे कि, या फिर CHSL के पेपर हो गए, तो आप लोग इनके जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो चुके हैं ऑलरेडी, इन 3 साल के डिस्क्रिप्टिव पेपर आप उनके कितने 3 पेपर हो गए, मतलब 3 ईयर हो गए और CGL और CHSL ले लिया है, तो यानी 6 एग्जाम हो गए। 6 एग्जाम के जो भी आपको ऐसे आए हुए हैं अभी तक, ऐसे पूछे गए हैं, या फिर जो लेटर राइटिंग जो पूछी गई है, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए कि मतलब उसी के इर्द गिर्द मतलब तैयारी रखिए अपनी, ठीक है, वो आपके लिए कंपास का काम करेंगे। जैसे कि मैंने जब CGL 17 दिया था तो उसमें डिमोनेटाइजेशन के जो 1.5 साल बाद या 2 साल तब तक हो चुके थे, उसके उस टाइम के बाद मतलब पूछे गए थे इसके क्या परिणाम हुए, ठीक है, 1.5 साल बाद क्या इम्पैक्ट है। तो ऐसी जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम होगी, ठीक है, कभी कोई जनरल सामाजिक मुद्दे पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग उसी के अनुसार थोड़ी बहुत अपने थॉट प्रोसेस है ना उसको डेवलप करना चालू कर दीजिए, और आई होप आप में से कुछ लोग कर भी रहे होंगे, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में जो थॉट प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर आपका थॉट प्रोसेस है उतना डेवलप नहीं आपने किया तो एग्जाम में आपको लिखने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके नंबर कम हो गए, आप सही से नहीं लिख पाए, तो आपका सीधा सिलेक्शन पर असर पड़ेगा इसका, ये चीज आप मान लीजिए। तो इस चीज की आप इम्पोर्टेंस समझिए कि आप जो ऐसे है 250 वर्ड्स में आप रफ में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा 250 वर्ड्स में कैसे इंट्रो लिखना है, ठीक है, कैसे बॉडी को लिखना है, ठीक है, कैसे लास्ट में कंक्लूड करना है, और पॉइंट और कंटेंट भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे उल्टा सीधा, और
और हो सकता है आपका उतना अच्छा इफेक्टिव मार्क्स भी नहीं आ पाए, ठीक है। तो और उसके अलावा राइटिंग भी थोड़ा इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आपका जो राइटिंग है दिखने में अच्छी है तो एसएससी जैसे एग्जाम में, ठीक है, कंटेंट अगर थोड़ा बहुत कम भी हो, आपका जो लुक है, लिखा है, जो आपका तरीका है प्रेजेंटेशन वो अच्छा है, तो आपको अच्छे मार्क्स तब भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। और लेटर लेटर बहुत इजी होता है, आपको समझ लीजिए 100 नंबर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यही 100 नंबर आपको इंग्लिश या मैथ या किसी भी सब्जेक्ट में लाने के लिए जीएस प्रीवी 50 नंबर की आती है, और इससे जितना इसमें मेहनत लगी इससे 50 गुना ज्यादा आपको एफर्ट करना पड़ेगा उसमें इतने अच्छे नंबर लाने के लिए जीएस में। तो आप मान के चलिए 50 नंबर का लेटर आप केवल केवल 2 दिन पढ़ के तैयार कर सकते हैं। 2 दिन में फॉर्मेट देख लीजिए कैसा फॉर्मल लेटर का रहता है, कैसा इनफॉर्मल लेटर का रहता है, फॉर्मेट सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसे लिखना है। उसके बाद बीच बॉडी है, आप 8-10 लेटर देख लेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बॉडी कैसे लिखी जाती है। बॉडी जैसे लेटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 2-4 जो लाइन रहती है वो कैसी रहती है, ठीक है, और एंड करते हैं कैसा करते हैं, और बीच में किस तरीके से करते हैं, आप 8-10 लेटर करीब देख लेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा जनरल। आप 2-4 लेटर या जितने आपकी मर्जी ज्यादा चाहे ज्यादा वो आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। और वन मोर थिंग, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूं, मेरे जो जैसे सीजीएल की मैं बात करूं, सीजीएल जो है 17 जिसके थ्रू मुझे जो अभी पोस्ट मिली हुई है, ठीक है, AFH2 की एसओ की, ठीक है, तो सीजीएल 17 मेरा जो मेंस का स्कोर था वो था दोनों को मिला के मैथ और इंग्लिश में मिला के इतना, ठीक है, 323.5, ठीक है, मैथ और इंग्लिश का मिला के इतना स्कोर था। और जो हमारा टायर 3 का मेरा स्कोर था सीजीएल 17 में वो मेरा स्कोर था टायर 3 में 68, ठीक है। तो दोनों को और मेरा प्री में भी स्कोर था 151, ठीक है। तो जब मेरा फाइनल जो मेरा स्कोर बना था, मैं तीनों टायर का बता रहा हूं, वो बना था 542.5, ठीक है। अब आपको बता रहा हूं कि टायर 3 के मार्क्स की या एक एक नंबर की या 0.5 नंबर की भी कितनी अहमियत होती है। मैं अपने एग्जाम्पल के अपने ऐसे एग्जाम्पल जो मैंने ऑब्जर्व किया है मेरा खुद का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा इतना स्कोर था फाइनल, ठीक है। अब मेरी जो पहली प्रेफरेंस थी, फर्स्ट प्रेफरेंस थी मेरी जो पोस्ट सिलेक्शन, जब मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दी थी जब, तो मेरी पहली थी सीएसएस, ठीक है, मैंने सीएसएस भरा था। और दूसरा था मेरा यही जो मुझे मिला एएसओ एंड सीएएफएचक्यू, ठीक है, ठीक है, ये मेरी दूसरी प्रेफरेंस थी और पहली प्रेफरेंस मेरी थी सीएसएस, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं इसका सीएसएस का जो कट ऑफ गया था वो गया था 542.75, इसका गया था 542.5, मैं ये बता रहा हूं ओबीसी कट ऑफ, ठीक है, 542.25, सॉरी। आप देख लीजिए मेरा स्कोर ये था, पहली प्रेफरेंस मेरी 0.25 नंबर से मिस होगी, ठीक है, केवल 0.25 से, और दूसरी प्रेफरेंस मुझे केवल 0.25 नंबर ज्यादा होने की वजह से मिली, ठीक है। तो आप सोच लीजिए केवल 0.25 इतने नंबर से कितना अंतर पड़ सकता है, केवल 0.25 से आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। तो ये इससे मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके लिए ये टायर 3 एक तरह से बोनस का काम कर सकता है अगर आपका स्कोर इसमें अच्छा आता है। और यही देख लीजिए मेरे जो टायर 3 में स्कोर मेरा आया था, ठीक है, सीजीएल 17 में वो 68 आया था, ठीक है, और सीजीएल 18 में मेरा आया था 70, ठीक है, सीजीएल 18 में मेरा जो स्कोर था वो था 70, और सीजीएल 17 में मेरा स्कोर था टायर 3 में वो था 68। अभी देख लीजिए मेरे अगर 68 इतने अच्छे नंबर नहीं आए होते, क्योंकि अच्छे नंबर है, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर 60 से 65 के बीच में या कभी कभी इससे भी कम लोगों के नंबर आते हैं, इनके ओवरऑल अच्छे नंबर है, फिर भी उनके 60 के करीब ही रह जाते हैं। अगर मेरे टायर 3 में 68 नंबर नहीं आए होते, ठीक है, मान लो 65 ही होते, तो मेरे न तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती ना सेकंड, हो सकता है जो मैं मिनिस्ट्री जितनी चाहता था ऊपर भरा था वो एक भी नहीं मिलती, ठीक, हो सकता है एक्सआई वगैरह मिल जाता, लेकिन ये सब मुझे नहीं मिला होता, जो कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था मिनिस्ट्री वो मुझे नहीं मिली होती, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो एक एक नंबर की बहुत अहमियत है। इसलिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं इसकी सीजीएल टायर 2 और टायर 3 के साथ ही में करिए और अच्छे से तैयारी करिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो जिससे कि आप ये होगा कि टायर 2 देंगे उसके बाद टायर 3 के लिए इतना टाइम बचेगा, उसमें बीच में केवल रिवाइज करिए, और पेपर ज्यादा टफ नहीं है जैसे मैं बता चुका हूं, इसको तो आप लेटर तो 2-3 दिन में तैयार कर सकते हैं। ऐसे क्या है, बस टॉपिक पढ़िए, उनका कंटेंट तैयार करिए, उनके नोट्स बनाइए और उनको दिमाग में थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए कि अगर मान लो कि 250 वर्ड्स मुझे लिखना है कैसे लिखूंगा मैं, ठीक है,
मैं पहले इंट्रो में क्या क्या लिखूंगा और जैसे कि जो मेरा बॉडी पार्ट है उसमें क्या लिखूंगा, कंक्लूजन में कैसे कंक्लूड करूंगा, एक आध कोटेशन वगैरह कोई आपको अच्छी आ जाती है तो वो चिपका दीजिए वहां पर, कोटेशन का काफी इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, ठीक है। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने बताया जो इस तरह की कॉपी आती है उस पर प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं उस कॉपी पर करेंगे, केवल रफ से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो सकता है आपको थोड़े प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस तरह लिखना रहेगा बार बार आपकी जो पेन है वो थोड़ा बहुत रोक सकता है राम इज, तो इसलिए प्रैक्टिस रहिए, आप तुरंत लिखते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मैंने और भी वीडियोस इंग्लिश की और कई स्ट्रेटजी वगैरह की बनाई हैं, ठीक है, और वीडियो आगे ऐसी आती रही तो उनको जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।